मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे, हम दोनों भी ठीक हैं। आज चेरी की छुट्टी थी स्कूल की, तो अभी जस्ट उठा है क्योंकि थोड़ी देर पहले अभी उठा है क्योंकि इसको ये था कि मैं मम्मी जल्दी उठा देना, मैं पढ़ाई कर लूँगा। हाँ। फिर इसको ट्यूशन भी जाना है, सुबह तो, जाना है 11 बजे। हाँ, इसको ट्यूशन जाना है, तो इस करके थोड़ा सा अपना पढ़ाई करके अपना रेडी होके चला जाएगा। तो मैंने सोचा हम दोनों अपने YouTube फैमिली को हम दोनों इकट्ठे आज गुड मॉर्निंग विश करते हैं। और आप सब लोग अपना ख्याल रखना, मिलते हैं आपसे बाद में। हेलो गाइस, कैसे आप सब? तो गाइस, मैं आ चुका हूँ ट्यूशन से, पूरे 4 घंटे पढ़ के आया हूँ, अभी 1 घंटे में वापस जाना है ट्यूशन, तो मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगा, मिलता हूँ आपसे बाद में। मैं गया था 11:30 और अब आया हूँ मैं 2:30, 3 घंटे हो चुके हैं, अभी 1 घंटे बाद वापस जाना है मुझको। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बस जस्ट अभी ऑफिस से आई हूँ और अभी आगे बस बैठी हूँ मैं। अभी कुछ मैंने सामान नहीं रखा, सामान रखा है बस मैंने अपना बैग रखा है और बस कुछ भी नहीं। अभी थोड़ा सा काम करूँगी अपना और अपना थोड़ी सी चाय बनाऊँगी अपने लिए, जो मैं आपको अपनी चाय की एक प्यारी के साथ ज़रूर मिलूँगी। बाकी थोड़ा सा रास्ते से आते हुए मैंने अपने लिए ये मैं दूध लेके आ गई साथ में, और दूध ले लिया मैंने, दही ले लिया, बस मैं ये चीज़ें साथ में लेती हूँ ताकि मुझे दोबारा बाहर ना जाना पड़े। पर अभी क्या चीज़ है कि मैं दोबारा मुझे फिर से जाना पड़ेगा क्योंकि मैं आपको बाहर की एक चीज़ ज़रूर दिखाना चाहती हूँ अपने साथ। तो मैं आपको पहले मैं अपनी चाय की एक प्याली के साथ ज़रूर मिलूंगी गाइस। चाची, ये तो बंद हो गया आरती गैलरी, लेट हो गया ना काफ़ी ज़्यादा, और जल्दी आओ आप ऑफिस से। अब चलो कहीं और चलते हैं। गाइस देखिए, आपको हमने बताया था ना, हमने जिस शॉप पे जाना था ना, वहाँ पे शॉप हमारी बंद होगी, तो अभी कल या परसों मैं दोबारा जाऊंगी तो मैं ज़रूर आपको वहाँ पे जाकर मिलूंगी। पर अभी हम यहाँ पे विशाल मेगा मार्ट आए हैं, तो अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे सामान देखेंगे, चीना और मैं हम दोनों हैं साथ में, तो अभी आपको अंदर जाके हम दिखाते हैं कि हमने क्या क्या देखा। गाइस देखिए, चीना अपने लिए ये नाइट सूट देख रही है, कैसा लग रहा है चीना तुझे? मम्मी बहुत मारेगी, इतने नाइट सूट आया ना हमें, पर हम सोच रही कोई बात नहीं, गालियाँ खा लूँगी। तो देख लियो ना, तो कुछ भी अच्छा लग रहा है वो देख लेना चाहिए। गाइस देखो, मैं अभी कुर्ती वगैरह देख रही हूँ, मैं आपको जरूर दिखाऊंगी अभी घर जाके, मुझे कुछ पसंद आया होगा तो। गाइस देखो, हमें ना यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा, सच्ची बोलूँ तो कुछ भी अच्छा सा नजर ही नहीं आ रहा है। बताऊँ मैं बताती हूँ, क्योंकि ना जो गर्मियों का माल है वो चला गया और यहाँ पे रख दिया उन्होंने सर्दियों का माल, तो ना सर्दियों का अच्छा हो पा रहा है ना गर्मियों का। तो हम देखने आए थे कि कोई कुर्ती वगैरह, जैसे कुर्ती वगैरह देखने आए थे या फिर रौनक के लिए एक दो चीजें देखने आए थे हम लोग, पर कुछ अच्छा लग ही नहीं रहा है, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा हमें। तो गाइस, चाची को ये वाला मैं और आगे कर देती हूँ, ये जो फर्स्ट में पहना हुआ है वो चाची को अच्छा लग रहा है ना? हाँ, मुझे ये प्यारा लग रहा है, पर अभी तो गाइस हमारी विंडो शॉपिंग ही चल रही है फिलहाल, हम विंडो से देख देख के खुद से शॉपिंग कर रहे हैं, ये होती है विंडो शॉपिंग, हर चीज हम विंडो से देख रहे हैं और हम कह रहे हैं। लेकिन गाइस जो मैंने देखा है वो मैं आपको मेरे ब्लॉग में भी देखना, और चाची की आप भी, चाची आपके उसमें भी दिखा देना आप, मेरे को वो अच्छा लगा तो आप बताना गाइस कि कैसा है वो। गाइस देखो, जैसे कि आपको बताया था कि चीना और मेरी विंडो शॉपिंग चल रही है, तो देखो ये पिंक वाला सूट और उसके साथ वाला ये क्या कौन सा कलर है, मेहंदी कलर है ना, ये कितना प्यारा लग रहा है ना, देख ये देखो। अभी तो सिर्फ हम ऐसे सर्च कर रहे हैं कि क्या कहाँ पे क्या मिल रहा है, निकल के सर्च के चक्कर में थोड़ा सर्च करने के बाद डिसाइड करेंगे कहाँ से क्या लेना है, क्योंकि अभी तो हमारे से यही चल रहा है। तो गाइस मैं सोच रही हूँ ऐसा कुछ लेने का, तो आप बताओ ये कैसा लग रहा है? चाची ये सही लग रहा है ना? हाँ, कल जो मैं आपसे पूछ रही थी ये ब्लैक वाला। हाँ, आगे से फ्रंट पे जाके देखिए। नहीं नहीं ठीक है, मैंने देख लिया, ये ऐसे है ना साइड से, देखो प्यारा लग रहा है। साथ वाला तो बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा, नहीं साथ वाला बिल्कुल, मुझे ये लहंगे भी नहीं अच्छे लगे, मुझे साड़ी का फ्लेयर बहुत अच्छा लग रहा है। गाइस देखो, चीना ने मुझे बोला कि चाची आपने चैनल स्टार्ट किया तो आपने कोई पार्टी तो दी नहीं, तो मैंने बोला चलो ठीक है आप दोनों हम इकट्ठे साथ में आ रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं वो कोई बात नहीं, हमने कहा चैरी और मैं दोनों फास्ट फूड। गाइस अभी कभी कभी खाने का मन भी करता है तो कभी कभी खा भी लेना चाहिए, तो आपको पता होगा कि फर्स्ट टाइम मैं आपके साथ शेयर करूंगी फास्ट फूड, फर्स्ट टाइम नहीं होगा, भटूरे छोले वैसे शेयर कर रखे हैं, तो ये वाला चलो जो भी है, पर ये स्प्रिंग रोल या फिर नूडल्स वगैरह मैं पहली बार आपके साथ चाइनीज फूड आपके साथ मैं थोड़ा शेयर करूंगी। तो हम यहाँ पे आए थे, आप देखिए कि यहाँ पे बहुत अच्छा टेस्ट रहता है इसका, ये चस्का हट है, तो मतलब यहाँ मोमोज, स्प्रिंग रोल, नूडल्स, पास्ता, बहुत ही टेस्टी। हम देखते हैं क्या है, हम जाके। और हम गाइस तिलक नगर मार्केट में है, यहाँ मार्केट में आए थे हम लोग, तो काफी लेट आए हैं हम लोग कि मार्केट ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है,
तो ये देखिए गाइस, देखिए हमारे ये नूडल्स आ चुके हैं, तो सिंगापुरी नूडल्स हमने दिए हैं, तो हम दोनों इसको अभी टेस्ट करेंगे, तो आप भी प्लीज़ हमारे साथ शेयर करना। गाइस मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गई कि जहाँ पे अभी तिलक नगर हम लोग गए थे ना, तिलक नगर जहाँ पे हमने नूडल्स लिए, चाउमीन लिए और साथ में मोमोज वगैरह लिए, उस शॉप का नाम है चस्का हट। और आप तिलक नगर जाओ तो वहाँ पे ज़रूर एक बार आप राउंड लगा के आना, क्योंकि हमने जो नूडल्स लिए ना वहाँ पे गाइस, हमने हाफ प्लेट लिया था और हाफ प्लेट हमने रौनक के लिए मोमोज लिया और साथ में एक छोटे वाली जो 20 रुपये वाली पेप्सी की बॉटल लगती है वो ली थी हमने। और उसमें क्या हुआ, हमारा जस्ट 170 रुपीज़ का हमारा खर्चा आया, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आया। और वहाँ के अगर आप नूडल्स ट्राई करोगे ना, बहुत ही मस्त, बहुत 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 ही अच्छे, बहुत ही टेस्टी थे। उसमें मतलब हम लोग हम अपने नियर बाई जैसे कि नूडल्स वगैरह लेते हैं तो वहाँ पे सिर्फ जस्ट बंद गोभी डाल देते हैं या गाजर डाल देते हैं, प्याज डाल देते हैं, तो बस ये 3 चीज़ें होती हैं। पर वहाँ पे आप मानोगे 10 तरह की उन्होंने वेजिटेबल्स डाली होंगी और सारी की सारी सब बहुत अच्छी, खाने में बहुत टेस्टी थी, क्योंकि मैं खा कर आई हूँ, मुझे बहुत टेस्टी लगा वहाँ का नूडल्स। आप एक बार ज़रूर वहाँ पे ट्राई करना। शॉप का नाम जो है चस्का हट है, जो आप इसमें देखोगे भी, मैंने थोड़ा सा उसका वीडियो बनाया था, तो आप ज़रूर वहाँ पे एक बार ज़रूर ट्राई करना। और ज़्यादा महंगी प्लेट भी नहीं है, आराम से अगर आप फुल प्लेट भी लेते हो ना, 5-7 लोग आराम से खा सकते हैं गाइस, रियली। गाइस देखिए आप ये देखो, इसकी जो सॉस वाली जो डिब्बी आई ना, वही बड़ी प्यारी लग रही है मुझे, छोटी छोटी सी। इसको ना मैं खाली हो जाएगी ना, इसको ना वॉश करके ना मैं रख लूँगी, कभी ऑफिस में जाके कुछ अचार वगैरह लेके जाना हो या कहीं बाहर जाना हो तो आराम से इसमें आप लेके जा सकते हो। और पैक भी अच्छे से हुई थी, इसमें लीकेज का कोई भी डर नहीं है। तो मैं तो इन सारी जो ये कटोरियाँ हैं ना, इन सबको संभाल के रख दूँगी अभी वॉश करके। ब्रो ना खा के बताइए कैसा बना बेटा। मैंने नहीं खाना, तू खा। मैंने खा लिया चाउमीन, खा ली मैंने। अच्छी है, अच्छी है, चल ठीक है, क्योंकि हमने वहाँ पे ट्राई नहीं करा ना, हमने फर्स्ट टाइम ट्राई किया गाइस, तो रोनो को तो बहुत अच्छा क्या लगा। क्या आपने? हमने तो वेज नूडल्स लिए थे हमने तो। अच्छा। बस ओके, गुड नाइट गाइस। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल आपको एक नई सुबह के साथ दोबारा मिलते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का भी ध्यान रखना, हमारा भी ध्यान रखना। और आज आपका बहुत 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 प्यार मिला, बहुत सपोर्ट मिला, उसके लिए आपका बहुत 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 थैंक यू। और बाकी मैं आपको ये कहना चाह रही थी कि कल रौनक का पेपर है ना, कोरोना का पेपर है, प्लीज़ इसको बेस्ट ऑफ लक बोलना, ताकि इसका पेपर, इसका साइंस का पेपर बहुत अच्छा हो। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं मार्केट गई थी आज, को मैंने आपको दिखाया है, तो जहाँ पे मैं आपको लेके जाना चाहती थी आर्चीज गैलरी, वो मैं आज आपको नहीं लेके जा पाई। तो अगर मैं कल गई तो मैं कल या परसों जब भी मैं जाऊँगी तो मैं डेफिनेटली आपको वहाँ जाके ज़रूर मिलूँगी एक बार, और मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी कि वहाँ पर बहुत अच्छा सामान मिलता है, बहुत अच्छी शॉप है। आप एक बार ज़रूर वहाँ पर, अगर कभी भी आपका इस साइड आना हुआ या कभी भी आप आते हो, ज़रूर जाना, मैं आपको ये बोलूंगी। बाकी आप सब लोग अपना ध्यान रखना। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय गाइस, गुड नाइट।